से नहीं थी, हमारे खाते में नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन करना पड़ा। उसका मेन कारण ये है कि समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी समाजवाद की राजनीति छोड़कर संप्रदायवाद की राजनीति पर उतर चुके हैं, जो कि काम समाजवादियों का नहीं है, ये काम सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों का है, भाजपा का है, जो कि देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर वोट की राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट की राजनीति करती है। ये काम समाजवादियों का नहीं है, ये काम भटक रही है। बिल्कुल, अपने मूल सिद्धांतों से समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से भटक चुकी है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि गोवर्धन पूजा पर इस तरीके से भगवाधारी पगड़ी पहनकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। हिंदुत्व की होड़ सी लग गई है समाजवादी पार्टी में, कई पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में हिंदुत्व की होड़ लग गई है, वोट की राजनीति कर रहे हैं लोग। आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मऊ में किसी भी पार्टी से बहुत ही मजबूत अभी भी है, आगे भी रहेगी और 2019 में विकल्प का रूप बने। 27 तारीख को फैक्स फेड के चेयरमैन और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय आदित्य यादव जी आएंगे और बलिया में उनका कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए भी हमारे कार्यकर्ता साथियों की बैठक।